हमें एक स्वच्छता के ऊपर संदेश दिया। किस प्रकार से एक बारी दक्षिण अफ्रीका से वो आ रहे थे, आते हुए एक ट्रेन में जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ट्रेन के अंदर बार बार थूक रहा था, तो महात्मा गांधी जी एक अपना कागज़ निकाल के उसको साफ़ कर रहे थे। दोबारा फिर उसने थूका, तीन बार उसने थूका, महात्मा गांधी ने उसको साफ़ किया। जब ट्रेन के अंदर यात्री देख रहे थे, जब ट्रेन के डिब्बे के बाहर आए तो उन्होंने महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसी प्रेरणा हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देके गए। आज उनके उपलक्ष्य में हम चाहेंगे मेरे गाँव वासियों से कि यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चला जाए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हमें स्वच्छ भारत का नारा दिया गया है। स्वच्छ भारत के तहत आज हर आदमी के अंदर अवेयरनेस है। कोई भी आदमी कूड़ा गिरने से पहले सोचता है कि मुझे कूड़ा कहाँ गिरना है। इसी प्रकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर श्री खट्टर जी के आदेश के अनुसार आज पूरे हरियाणा में विकास जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, जिसके तहत मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र के अंदर 1966 के बाद पहली बार इतना कार्य हुआ है। किसी जितने भी एमएलए एमपी आए किसी ने कार्य नहीं करा, और आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सारे एमपी, सारे हमारे मिनिस्टर, सारे हमारे आदरणीय विधायक सभी आज हमारी ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मार्गदर्शन में ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसका बहुत बड़ा एक संदेश हम जनता को देना चाहते हैं। और मैं देख रहे हैं आप कि सुबह से हमने 5:30 बजे से ये यात्रा शुरू करी, अभी हम यहाँ पर अमरगढ़ मजाड़ा में पहुँचे। किस प्रकार से हमारे साथियों ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया, हम इन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद। जैसा हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, श्री मनोहर जी का हमें आदेश है कि हमारे जितने भी गांव हैं और शहर के, हमने डेली 10-15 किलोमीटर हमने यात्रा करनी है। और मैं दावे से कहूँगा मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मार्गदर्शन में उनकी ही देन है कि आज मैं भी यात्रा में पैदल बहुत स्पीड से चल रहा हूँ।